वेलकम टू रोजअप टीवी और गपशप के सेकंड सीजन में हम हैं श्रीमती जनक पलटा जी के साथ और जनक पलटा मैग्लिगन। जनक पलटा मैगलिगन जी के साथ। और जनक पलटा मैगलिगन जी पद्मश्री हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के भलाई के लिए, नेचर के साथ मिल के रहने के जो रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया है। और उन्हीं से सुनते हैं उन्हीं के काम के बारे में, उनके बचपन के बारे में। और हेलो मैम, वेलकम टू रोज़ अप टीवी। सो मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके बचपन के बारे में, आपके जो जर्नी का शुरुआत होता है आपके, इसके बारे में थोड़ा बताइए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा जन्म पंजाब में जालंधर शहर में हुआ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री बिशंबर दास पलटा और मेरे बीजी मेरी माँ का नाम श्रीमती माया रानी पलटा। मेरा जन्म 16 फरवरी 1948 को हुआ और गुरु नानक देव जी की बहन बीबी नानकी जी पलटा परिवार में ब्याही थी और उनके वंशज से हूँ। मैं उनके परिवार के वंशज से हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। वहाँ से मेरा नाम जनक दुलारी पलटा था। शादी के बाद फिर मगीलिगन लगा क्योंकि मैं एक उत्तरी आयरलैंड के ब्रिटिश मूल निवासी श्री जिमी मगीलिगन, जो उनका जीवन भी पूरा भारत में ही रहा, उनका जीवन भी और मेरे जीवन साथी, तो इसलिए मेरा नाम जनक पलटा मगीलिगन है। मैं जालंधर में पैदा हुई और मेरी माँ लोगों को बताया करती थी कि इनका जन्म तब हुआ जब महात्मा गांधी जी को गए 17 दिन हुए थे। मतलब मेरी माँ मेरे जन्म की स्टोरी सुनाती थी बचपन में, तो वो स्टोरी उनकी सुनने के बाद मुझे बहुत इंटरेस्ट था महात्मा गांधी को जानने का। और मैं जहाँ तक मुझे याद है, पंजाब में रोपड़ भाखड़ा नगर के रास्ते में एक जगह है, शहर, अभी शायद उसका नाम रूपनगर हो गया है। वहाँ पर मुझे एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी मैं, और तीसरे या चौथी क्लास में थी मैं। लेकिन एक चीज़ मुझे अभी भी याद है कि जब मुझे स्कूल छोड़ने गए थे, मेरे पिताजी ट्रांसपोर्टर थे, एक कार होती थी काले रंग की उनके पास, वैसी थी जैसी राज कपूर के पास फिल्मों में कार थी, और मुझे एक ड्राइवर छोड़ने जाता था। हाथ घर का एक काम करने वाला लड़का था ब्रह्मा, वो भी साथ में हाथ पकड़ के स्कूल छोड़ने जाता था। जिस दिन स्कूल दाखिल किया था उस दिन बताशे, बड़े बड़े साइज के बताशे होते थे, तो सबको बताशे बांटे गए थे, वो मुझे अभी भी याद है। उसके बाद मैं तीसरी चौथी क्लास में जब हुई, तो मुझे ठीक से याद नहीं है, तीसरी या चौथी क्लास थी, तो वहाँ से हमारे पिताजी भाखड़ा डैम के ऊपर हमारे ट्रक चलते थे और एक चंडीगढ़ नया शहर बसने वाला था, उसके नज़दीक एक मनी माजरा करके छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे में मनीमाजरा टाउनशिप, वहाँ पर हमारे पिताजी, हमारा पूरा खानदान शिफ्ट हो गया और वहाँ पर मुझे मनीमाजरा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ट्रांसफ़र करवाया। तो मैं 5वीं तक मनीमाजरा में मैंने 5वीं पास की और वो एक तालाब के पास था स्कूल, सरकारी स्कूल, और लड़के लड़कियों का इकट्ठा स्कूल था। हम लोग, मेरे एक ताया जी का लड़का था कैलाश, वो मेरे से 40 दिन छोटा था। हम दोनों बहन भाई जॉइंट फैमिली थी, साथ में स्कूल जाते थे। और बहुत ये पता नहीं था, लड़का लड़की का कोई भेदभाव नहीं पता था हमारे परिवार में, तो हम जाते थे। और मुझे आपने बचपन की बातें पूछी हैं तो एक बात याद है कि रास्ते में जा रहे हैं तो उसने एक आम के पेड़ से जब बिना पूछे आम चुराया, तो मैंने उसको बोला मैं घर जाके बताऊंगी तुम ऐसा करते हो, तो उसने बोला मैं तेरे को मारूंगा फिर तो बताएगी तो। लेकिन मैंने बताया, उसने मारा तो नहीं लेकिन इस बात की मार खा ली कि
कि उसके बाद वो ऐसा काम नहीं करेगा, उसको ये पता चल गया कि ये इसके साथ रहना है तो झूठ नहीं बोल पाऊँगा और ये गड़बड़ नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद स्कूल पास हुआ पाँचवीं, तो उस जगह पर आगे का कोई स्कूल नहीं था, तो वहाँ से चंडीगढ़ नया नया शहर बना था और वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में मेरा दाखिला करवाया गया। और मैं अपने घर से करीब, कुछ और लोग भी जाते थे जिनके साथ मैं चल के 1.5 किलोमीटर होगा, 1 मील होगा, बस्ता टांग के पैदल जाती थी, फिर बस में बैठती थी, फिर आगे जाके फिर शहर में भी 1.5 मील चल के और मैं गवर्नमेंट स्कूल जाती थी। और मुझे अभी भी याद है कि चंडीगढ़ का 6 रुपये में जहाज़ से चंडीगढ़ दिखाते थे ऊपर से, और उस टाइम पर कोई लोग बहुत डरते थे, और मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने बहुत खुशी से मुझे 6 रुपये दिए और मैंने जहाज़ से चंडीगढ़ देखा, और मेरे लिए ये बहुत अद्भुत जगह थी, अद्भुत जगह थी वो जहाज़ के अंदर से नीचे देखना, अद्भुत समय था। और फिर मैंने जब 6ठी पास होने वाली थी तो मेरी माँ को ऐसा लगता था कि मेरी लड़की को पढ़ने में बहुत तकलीफ़ होती है, इसका बहुत टाइम बर्बाद होता है पढ़ने में, तो मेरे पिताजी को बोला आप कहाँ भी रहिए, वो भाखड़ा डैम पे, बुखारो स्टील प्लांट पे, रोड किला, भिलाई, सब जगह उनके ट्रक चले जाते थे और वो कभी कभी घर आते थे या तो सबको साथ में ले जाते थे। हमारे बीजी ने बोला कि नहीं, अब आप मुझे एक ठिकाना बना दो, मेरी लड़की पढ़ने लगी है, मुझे बच्चों को पढ़ाने दो ठीक से। तो चंडीगढ़ में घर, मेरे कारण मेरे पिताजी ने एक प्लॉट ख़रीदा, चंडीगढ़ में घर बना और वहाँ मैं 10वीं तक मैंने पढ़ाई की गवर्नमेंट स्कूल में। हमारी एक आना फीस होती थी और मैं मुझे दो बातें स्कूल की ज़्यादा याद हैं। एक तो ये याद है मुझे कि जब 8वीं पास की मैंने, तो किसी को बोले टीचर घर से किसी को बुला के लाओ, तो हमारे ताया जी का एक लड़का, हम बड़े वीर जी बोलते थे उनको, वीर जी को बुलाया और उनसे पूछा इसको क्या सब्जेक्ट दिलवाने हैं, तो उन्होंने बोला कि क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो उन्होंने बोला लड़कियों के लिए तो हाइजीन फिजियोलॉजी और हाउस होल्ड अकाउंट्स है। तो इतनी बात के ऊपर हमारे जीवन के पूरे निर्णय एक हमारे बड़े भाई ने कर दिए, हमको साइंस पढ़ने का मौका ख़त्म हो गया, हमको मैथ्स नहीं पढ़ना था इसके बाद क्योंकि हम लड़की थे। तो ये बात का भी कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं क्योंकि मुझे इसका मतलब नहीं पता था। उसके बाद एक वो हायर सेकेंडरी स्कूल था फिर मुझे हाई स्कूल में गई। वहाँ की एक बात याद है कि शरारत की, रोड पे साइकिल पे जा रहे हैं, 9वीं क्लास की बात है, 9th की, 3 सहेलियाँ साइकिल पे इकट्ठे जा रहे हैं और बरसात में बहुत भीगने का बहुत मज़ा आता था और बरसात में मैं सबसे लेफ्ट हैंड पे थी और वो दोनों मेरी सहेलियाँ मेरे सीधे हाथ पे राइट हैंड पे थी। और मैंने मेरे दिमाग में शरारत सूझे, मैंने पैर से साइकिल गिराए ऐसा करके और सहेलियों के, तो हम तीनों गिरे, पहले वाली उसके साथ दूसरा मैं भी गिरी और बहुत पानी आ रहा था, लेकिन पैर हिला तो दिया, गिर तो गई, लेकिन उस समय मुझे मेरी आत्मा से मैंने अपने आप को इतना अपराध बोध आया मेरे अंदर, मैंने कहा गिराना कितना आसान है लेकिन उठाना कितना मुश्किल है। ये बात उस शरारत से समझ आई। फिर 10वीं पास करने के बाद मुझे अभी कॉलेज में जाना था, अचानक ऐसा पता चला, मैं एक दिन बेहोश हो गई, अचानक पता चला कि मुझे मेरे हार्ट में सीरियस प्रॉब्लम है, पंडित नेहरू की तब डेथ हुई थी, ओपन हार्ट सर्जरी होना है, PGI बहुत मॉडर्न हॉस्पिटल था चंडीगढ़ का, ले गए अस्पताल, अस्पताल वालों ने बोला कोई भरोसा नहीं लेकिन कोशिश करेंगे, तो मुझे उन्होंने 1 साल अस्पताल रखा, 1964 से लेके 1965 तक। इतना मेजर प्रॉब्लम था, 9 महीने मेरा सारा ब्लड ठीक किया, स्ट्रेप्टोपेंसिलिन के इंजेक्शन हर 4 घंटे में लगते थे क्योंकि ब्लड सब 100 पे लास्ट स्टेज पे था,
सर्जरी करने के काबिल शरीर हो जाए, इसकी भी कोशिश थी। दूसरा ये कि वहाँ सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, 6-9 महीने किसी का भी ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। और मैंने, मेरे को ये डर था बस, ये सब इनकी लाश जा रही है, एक दिन मेरा भी होगा, मैं भी अपने घर, मेरी भी डेड बॉडी चले जाएगी, लेकिन ठीक है, एक बात हो जाएगी। तो वो टाइम आ गया कि मेरा ऑपरेशन हुआ, लेकिन मेरा ऑपरेशन कामयाब करवाने के लिए हमारे एक बुज़ुर्ग पड़ोसी थे। मुझे लगता है हमारे उस जीवन में और इस जीवन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि उस तरह का पड़ोस और उस तरह का प्रेम अब नहीं है। हमारे पड़ोसी की भांजी सुशीला नैयर स्वास्थ्य मंत्री थी दिल्ली में, भारत सरकार की, उनके पास गए वो, उनको जाके बोला हमारी बच्ची अस्पताल में पड़ी है, 9 महीने हो गए हैं, ऑपरेशन कोई ठीक नहीं हो रहा है, इसका क्या होगा। जांच करवाई गई, पता लगा कि 14 घंटे की सर्जरी है और उसमें एनेस्थीसिया देना किसी को नहीं आता है। तो कनाडा से एक एनेस्थीसिस्ट को बुलाया गया, मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, मुझे जब मेरी सर्जरी बहुत सक्सेसफुल हो गई और बाकी सब लोगों को भी, डॉक्टरों को उसका ट्रेनिंग मिल गया, उसके बाद पीजीआई में ओपन हार्ट सर्जरी का सक्सेस मिलने लगा। तो ये जब मुझे डॉक्टर ने आके मेरे हाथ पे ऐसा थपथपाया, जनक आंखें खोलो, देखो तुम्हारा तुम्हारा ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया, यू हैव मेड द हिस्ट्री, तो ये बात सुनने और मेरी आंख खुलने तक मैंने ईश्वर से कहा, आपने मुझे नया जीवन दिया है, इसको आपको धन्यवाद देने में लगाऊंगी। तो ये मेरे जीवन की एक पुनर्जन्म उसी टाइम हो गया 1964 के एंड में, और फिर 1965 में मैं ठीक होके घर पे आई। और उस टाइम से मैंने सोचना शुरू किया, अब ईश्वर क्या है, धन्यवाद कैसे देना है, कहाँ देना है। वो तो उस टाइम बेहोश और होश के बीच में बोला, लेकिन वो बात अंदर बहुत घर कर गई। वो जीवन का उद्देश्य, जैसे आत्मा जागृत हो जाती है, ऐसा डॉक्टर्स ने मुझे अस्पताल बुलाना शुरू किया, लोगों को दिखाते थे, देखो इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। हम सक्सेसफुल ऑपरेशन करते हैं, तो लोगों को, मेरे को ये सेवा थी मेरी कि मुझे ओपीडी में बुलाते थे, 50 पेशेंट 40 पेशेंट रोज़, उनको उनके सामने बैठ के उनको बताना, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद मैंने नेत्रहीन लोगों के साथ काम करना शुरू किया, किसी की रीडर थी, किसी की राइटर थी, छोटे छोटे काम, आसपास के बच्चों को पढ़ाने का काम किया, मेरे अपने 4 बहन भाई थे, उनको भी पढ़ाती थी। तो ये एक ईश्वर को, पर ईश्वर कहाँ है ये बात भी अंदर अंदर चलती रही। और मैं संतों के पास, महात्माओं के पास, हमारी माँ सनातन धर्म की बहुत अच्छी अनुयायी थी और जीवन में प्रैक्टिस करती थी, और हमारे घर में भी बहुत महापुरुष संत बड़े बड़े सब घर पे उनका भोजन होता था, तो हम बिठा के सुनते थे उनकी बातें। तो ईश्वर की बहुत बात पूछती थी मैं, पूछते पूछते ये बात मेरी, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई। 1965 से लेके 1981 तक मैंने भारत के सारे तीर्थ स्थानों में गई, चारों धाम किए, अपना ये हेमकुंड साहब गई मैं, सारी देवियों के यहाँ गई, सारे मिशन, रामाकृष्णा मिशन, विवेकानंद मिशन, दादा स्वामी मिशन, निरंकारी मिशन, ब्रह्म कुमारी, इस्लाम, ईसाई, सब जगह गई मैं। और साथ में मैं अपनी पढ़ाई प्राइवेटली करती थी, मैं कॉलेज पढ़ने नहीं गई, यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं गई, मैंने बीए की, एमए इंग्लिश की, एमए पॉलिटिकल साइंस की, संगीत विशारद किया, एमफिल किया डिस्टिंक्शन के साथ, वो पीएचडी तो बहुत बाद में आके किया, लेकिन मैं साथ में नौकरियां भी करी। मैं 3 साल मैं ऐसा ही बीए करते करते घूमती रही, फिर बाद हर टाइम पढ़ाई के साथ नौकरी के साथ, छुट्टी वाले दिन भगवान को ढूंढने जाना है, शाम को भगवान से ढूंढना। हमारे टाइम में मोबाइल पे भगवान नहीं मिल सकता था, गूगल भी नहीं था तब, तो हमको तो जाके ही ढूंढना था, सब कुछ करना था। और फिर हम निकल जाते थे,
हरिद्वार जाते थे, ऋषिकेश जाते थे, सप्तऋषि आश्रम, ऐसा कर करके 1981 में मुझे बहाई धर्म मैंने खोज करने के बाद पाया और मैंने बहाई धर्म को अपनाया। मुझे लगा ये मेरे जीवन का वो रास्ता है जो जिसके पास सब मेरे प्रश्नों के उत्तर है और ये मुझे इस तरफ चलना है। मेरे माता पिता के आशीर्वाद के साथ मैंने बहाई धर्म अपनाया। अच्छा मैम, बहाई धर्म के बारे में और आपके कर्म जीवन के बारे में आगे जाने से पहले मैं दो क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगा। इस पार्ट से, आपके बचपन के पार्ट से जो चीज़ें अलग हो के आए, एक तो था कि आपने बोला कि आपके घर में लड़की लड़कियों का कोई फर्क नहीं था, आपको समान चांस मिला, चीज़ें अच्छी रहीं। और ये आप हमें बताइए मैम, अभी क्या चीज़ें और बेहतर हुए हैं, क्या बुरे की तरफ गए हैं? क्योंकि नहीं, आप दुनिया की बात कर रहे हैं कि मेरी बात कर रहे हैं? भारत की बात कर, भारत की बात कर। ऐसा है, भारत का जो, मैं तो पंजाब से हूँ, पंजाब पाश्चात्यकरण का, वेस्टर्नाइजेशन का सबसे बड़ा भूखा, सबसे संपन्न, समृद्ध और सबसे भूखा प्रदेश है। उनको भूख है विदेश जाने की, विदेश में जाके बर्तन साफ करने की, विदेश में जाके MA पढ़ा लड़का सिक्योरिटी करेगा, बर्तन मांजेंगी लड़कियां, कुछ भी करेंगे। एक बार कनाडा पहुंच जाए, एक बार अमेरिका पहुंच जाए। एक तो ये बात, मुझे लगता है कि ये शुरुआत है हमारे देश के पिछड़ जाने की, विकास नहीं है ये। अगर हमारे देश के माँ बाप की सोच ये हो गई है कि हमारा बच्चा विदेश जाए, अब इस देश का हर पढ़ने वाला स्टूडेंट, उसका ख्वाब है कि वो एक बार अमेरिका जाए, फॉरेन जाए, फॉरेन बोलते हैं, USA जाए, जर्मनी जाए, कैसे भी वीज़ा लग जाए, झूठ बोल के लग जाए, पैसे दे के लग जाए, जमीन बेच के लग जाए। तो क्या हम अपने बच्चों को बाहर के देशों का नौकर बनाने के लिए पैदा किए हैं? मुझे ये बात बहुत, सबसे बड़ा भारत का अगर कोई चीज़ जिसने भारत का ब्रेन ड्रेन किया है, भारत का ब्रेन वॉश किया है, अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ के युवा वर्ग का ब्रेन वॉश बड़ी मात्रा में इस कारण से हुआ है कि विदेश जाने की चाहत और अपने देश की बात केवल नारों में है, पोस्टर्स पे है, फ्लैक्स के बैनर्स पर है, TV की एडवर्टाइजमेंट में है और वंदे मातरम की बात और नारे और फेसबुक और व्हाट्सएप पे है, पर आत्मा के अंदर ना तो वो परमात्मा की से भी दूरी हो गई और भारत माँ से भी दूरी हो गई, माँ बाप से भी दूरी हो गई, दादा दादी से भी दूरी हो गई, नाना नानी से भी दूरी हो गई। पहले जब छुट्टी होती थी, सबसे पहली चाहत ये होती थी हम लोगों को, नानी के घर जाएंगे, मामा के घर जाएंगे। अब तो किसी से सुना ही नहीं ये कहते मैंने। अब तो फोन होता है ना सारा टाइम, खाली टाइम तो फोन के सामने चला जाता है। मामा के घर जाना है, वो बात तो मुझे लगता है कि ये एक एक बात है। दूसरा ये है, जो हमारे देश को अंग्रेजी और अंग्रेजी मीडियम ने बर्बाद कर दिया और दो प्रकार का शिक्षा प्रणाली ने बर्बाद कर दिया, कि इंग्लिश मीडियम, मैंने बहुत फीस देने वाले लोग इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ेंगे और गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अगर वो सरकारी स्कूल जिसमें मैं पढ़ी हूँ, जिसमें अब्दुल कलाम साहब पढ़े हैं, वो सरकारी स्कूल ही चलते रहते तो आज भारत होता, आज इंडिया और भारत का दीवार नहीं बनती बीच में। ये अंग्रेजी ने इंडिया और भारत बना दिया, मॉडर्न और पिछड़े हुए लोग बना दिए, आधुनिक और ये पुराने। हम लोग कौन है? पुराने। पर मैम, सरकारी स्कूल को इतना बुरा बनाया जाता है या बताया जाता है, पर ऐसा है नहीं। मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया है अपना, और IIT जो, जहाँ पे आज हम बैठे हैं, IIT BHU के,
ये एक सरकार का सबसे श्रेष्ठ शिक्षा संगठन है। तो ये सारे संगठन और स्कूल के जो विस्तृत व्यवस्था सरकार चला रहे हैं, एक सरकारी स्कूल में 40,000-50,000 रुपए के सैलरी वाले टीचर्स होते हैं, जहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल में महज 10-15 हज़ार के सैलरी वाले टीचर्स होते हैं। दोनों के पढ़ाने के पढ़ाई खुद के पढ़ाई के स्टैंडर्ड बहुत अलग होते हैं, फिर भी ये स्कूल आगे जा रहे हैं और नाम कमा रहे कौन हैं। स्कूल आगे जा रहे हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल आगे आगे नहीं जा रहे हैं, मतलब बिजनेस में आगे आगे नहीं जा रहे हैं। हाँ। वो आगे नहीं जा रहे हैं, ये स्कूल आगे नहीं जा रहे, ये स्कूल बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, ये आगे नहीं जा रहे हैं, ये हम लोगों को ये छलावा है कि ये आगे ले जा रहे हैं। आगे तो तब होता अगर भारत की हमारे संविधान, हमारे संस्कृति, हमारे जो पुरानी सारी जितनी हमारी पुरानी भारतीय धरोहर थी उस पर आधारित हमारे देश के पाठ्यक्रम बने होते, हमारा विज्ञान भारत का विज्ञान होता, हमारा ज्ञान भारत का ज्ञान होता, हमारी कला भारत की कला, बस कला अभी क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल डांस है, बाकी सब कुछ तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसने हमें लटका दिया है, हम ना धोबी के रहे हैं ना घाट के रहे। सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने आपके बचपन से मैंने चुन के रखा था, लॉस्ट वंडर। बचपन के जो वंडर हमारे समय पे होते थे, हम कुछ भी देखते थे। मुझे याद है मैं एक गांव में रहता था, मेरे पिताजी इरिगेशन में थे, कृषि सेच विभाग, तो गांव में वो दफ्तर होता था, तो कभी कभी जब हम सिटी आते थे, कोलकाता जाते थे, तो एक टेलीफोन बूथ में जब मैं फ़ोन देखता था मुझे कितना मज़ा आता था। मैं फ़ोन उठाता था और डायल करता रहता था, फिर किसी का नंबर लग गया। अब ये चीज़ें इतने आसान हो गए हैं, अब और महज 2000 के करीब मोबाइल फ़ोन आया और अब हर एक बच्चे के पास शायद मोबाइल फ़ोन हो गया है। चीज़ें इतने आसान हो गए हैं कि कुछ चीज़ों से बच्चे अब वंडर हो, जो फील ऑफ वंडर, वाह कितना मज़ेदार चीज़ है, वो ख़त्म होता जा रहा है। इस बारे में आपको क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि जो हम लोगों के पास कल्पना शक्ति थी, अभी कल्पना शक्ति की हालत ये हो गई है कि हमको ये नहीं पता कि प्लेट में खाना कितना लेना है, थाली में खाना कितना लेना है, कितना हम खा पाएंगे और कितना जूठा छोड़ेंगे। हमारी कल्पना शक्ति इतनी ख़राब हो गई है, मैं यहाँ पर भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी बैठ के खाना खाते देख रही हूँ, IIT में भी आकर, प्लेट में कितना खाना छोड़ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि इतना भी अंदाजा नहीं है हमें, हमको खाना कितना खाना है, या हमारा वो जो अनुशासन था, या हमारा ये जो तरीका था, संस्कार था कि हम थोड़ा एक एक चीज थोड़ी थोड़ी करके लेते थे, वो खा लेते थे, हमारे अंदर धैर्य था, हमारे अंदर हमारी आंखों में लालच नहीं था। अब तो हमें ये सब कुछ हम लालच के शिकार हो गए हैं, हमारे हमारे पेट में जगह नहीं है, हमारे पास शरीर में एक टाइम पर एक ही जोड़ा कपड़े का पहनना है, हमको इतने क्यों चाहिए। हमारी माँ हमें बना के दे देती थी, अंगीठी होती थी, चूल्हा होता था, उसके पास बैठते थे, जो बना देती थी केवल हमें खाना होता था। हमें ये नहीं पता था कि माँ के सामने हम ना भी कह देते हैं। अभी के माँ बाप को अपने बच्चे को नो कहना नहीं सिखाना है, वो सुने नहीं, बच्चा नो नहीं सुने, हर चीज माँ बाप यस करते हैं, बच्चे के लिए चोरी करके, भ्रष्ट करके, पैसे करके बच्चे को कहाँ भेजना है, फौरन भेजना है। तो ये बाकी दादा दादी से दूर हो गए। टीचर फैकल्टी हो गए हैं, शिक्षक नहीं है,
गुरुजन नहीं है और हम विद्यार्थी नहीं है, हम स्टूडेंट हो गए हैं। हम शिक्षा पाने नहीं आए हैं, हम शिक्षा खरीदने आए हैं। शिक्षा एक डिग्री, एक प्रोडक्ट हो गया है, उसका वैल्यू है इतने करोड़ की, इतने लाख की, इतने पैकेज, दुनिया का पैकेज हो गया है, माँ बाप भी पैकेज हो गए हैं। मुझे बताया है कि पूना में जब लोग लड़का देखने जाते हैं, लड़की वाले, तो वो पूछते हैं आपके घर में कितने डस्टबिन हैं, माने उसके साथ माँ बाप रहते हैं क्या, कौन कौन मेंबर हैं परिवार के, रिश्ता करने जाते हैं, लड़के का पता होना, उसके साथ कौन कौन रहता है। अभी माँ बाप सहारा नहीं है, वो माँ बाप ने श्रवण जैसा बेटा नहीं बनाया है। अभी बेटा बेटा कुछ ऊपर की दुनिया जैसा, वो यथार्थ में नहीं जीते हैं हम, और हमको यथार्थ से जीने की क्षमता हमारी नहीं है, हमें यथार्थ का ज्ञान नहीं है। हमको स्कूलों वाले सिंगापुर लेके जाएंगे, थाईलैंड लेके जाएंगे, मलेशिया लेके जाएंगे, आसपास किसी आदिवासी गांव में एक रात बच्चों को रखें। मेरे पास एनएसएस के कैंप की बात करने आते हैं लोग, जब मैं एनुअल फंक्शन में जाती हूँ एज ए चीफ गेस्ट, वहाँ स्लाइड शो दिखाते हैं बच्चों को, हम कौन से कंट्री लेके गए। फिर मैं बाद में अपने उद्बोधन में कहती हूँ ये बात, आप एक दिन झाबुआ के उस गांव में लेके जाना, इनको एक दिन रखना। अभी मेरे यहाँ जो मैं काम कर रही हूँ, एक गांव में रहती हूँ, वहाँ पर पिछले 6 साल में, इससे पहले तो मैं आदिवासी लड़कियों का एक इंस्टीट्यूट चलाती थी जहाँ सेवा देती थी, बर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वेमेन, बर्ली burli.org पर उसका सब जानकारी है। 500 गांव की 6000 लड़कियों को वहाँ मैंने आवासीय प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण दिया, मेरे पति और मैंने उस संस्थान में सेवा दी, बहाई पाइनियर के रूप में एक ऐसे एरिया में जाके काम किया जहाँ पर किसी ने काम नहीं किया था। लेकिन अभी वो काम करने के बाद हमने ये तय किया कि संस्था छोड़ दें, लोगों को तैयार करके संस्था छोड़ दें। एक तो ये समस्या है कि लोग कुछ छोड़ना नहीं चाहते, सब छीनना चाहते हैं, छीना झपटी हो गया है जीवन, सब अपने लिए, छोड़ना नहीं चाहते, ले लेना चाहते हैं, चाहिए के नहीं, वही प्लेट में कितना लेना है सब रख लो। वो एक उदाहरण है हमारी सोच का, हमारे जीवन का एक पूरी पूरा दर्शन स्पष्ट होता है। दर्शन नाम नहीं है, अनुशासन नहीं है, संस्कार हमारा खत्म नहीं हुआ, बीज नाश नहीं हुआ, बीज भी हमारे अपने नहीं बच रहे हैं। अब मैं बीजों के लिए काम करती हूँ, पुरातन संस्कृति के लिए काम करती हूँ, पुराने हमारे त्योहारों को नए ढंग से कैसे जिए अभी पर्यावरण को संभालते हुए। तो मैंने 50,000 बच्चे मेरे जिमी मगिलिगन सेंटर, मेरे पति की, पति ने बहुत काम किया, उनकी डेथ के बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर घर बनाया गांव में एक पहाड़ी के ऊपर, जिसमें ये दिन में ये बत्तियां जलती हैं, नहीं ज़रूरत पड़ती। तो मैंने उनकी याद में सारा अपनी निःशुल्क सेवा देती हूँ। 50,000 बच्चे आ चुके हैं, जब PCM वाले बच्चे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं, वो छोटा सा मेरा खेत है जिसमें हम एक एकड़ में 9 लोगों का पूरा जीवन का सब कुछ उगा के जैविक खाते हैं, वहाँ पर मैं क्यारियों के पास जब उनको खड़ा करती हूँ, वहाँ पर एक क्यारी है, दूसरी क्यारी है, तीसरी क्यारी है, सब चीज़ें एक साथ जो भी मौसम की होती हैं लगाते हैं। एक मूंग की क्यारी थी, एक चावली लोबिया जिसको कहते हैं, ऐसी लोबिया कहते हैं आप, क्या कहते हैं उसको, छोटा पता नहीं क्या कहते हैं, चावली, सफ़ेद सफ़ेद में काला निशान होता है, दाल थोड़ी बड़ी होती है, सफ़ेद में काला, हाँ ठीक है, उसको मध्य प्रदेश में चावली बोलते हैं, पंजाब में उसको लोबिया बोलते हैं, अंग्रेजी में ब्लैक आइड बीन बोलते हैं उसको, वो उसकी क्यारी है। बच्चे आए PCM के,
उनको पूछा, बताओ आपको कुछ समझ है ये क्या है? एक बच्चे ने बोला कैबेज। एक बच्चे ने बोला मैं भी सोयाबीन, क्योंकि वो सब सुनते हैं रोज सोयाबीन सोयाबीन, यहाँ सोयाबीन का नाश हो गया, ये फसल सोयाबीन की नाश हो गई। मौसम कौन सा है, अभी क्या लग रहा होगा। फिर एक जगह दिखाया आलू, वो आलू वाले सीजन की बात है, तो आलू कहाँ लगा है, आलू ढूंढ रहा है बाहर। अब ये बात जब हमारे 10+2 के बच्चों की हालत है, उनको ये नहीं पता कि दाल का दाना कहाँ से निकलता है, जब उनको ऊपर लाने के बाद 64 पदार्थ जो हमारे हमारे ज़मीन से निकाल के हम शीशे की उसके बयान में छोटे छोटे रखते हैं जार्स में दिखाने के लिए बच्चों के, उनके सामने सारी दालें रखी हैं जो हमने अपनी निकाली, उनको पूछा ये कौन कौन सी दाल है, सिर्फ एक शब्द पता है आजकल के बच्चों को, येलो दाल। किसी किसी को ब्लैक भी पता है, ब्लैक दाल। उधर मध्य प्रदेश में तो ब्लैक दाल कोई खाता नहीं है, पंजाब के बच्चे ब्लैक दाल बोल, उधर येलो दाल। ये नहीं पता अरहर क्या है, मसूर क्या है, चना क्या है, मटर की दाल क्या है, चने, कुछ नहीं मालूम। सच बोलूँ तो मुझे भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, मैं खुद पकाता हूँ रेगुलर, पर मुझे भी दाल सारे पहचान में नहीं आते। लेकिन ये फिर क्या ईश्वर को कैसे पहचानोगे? एकदम जरूर ईश्वर को कैसे पहचानोगे जब दाल नहीं पहचान सकते? ये बड़ा कमी है। आत्मा को कैसे पहचानोगे? तारामंडल को कैसे पहचानोगे ऊपर जाके? ये सब कॉपी पेस्ट हो रही है, ये सब नहीं चलेगा। कट पेस्ट कॉपी अनडू डिलीट, ये सब, इससे दुनिया नहीं चलेगी। ये सब जो है ये ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन तब अच्छी है जब हमको इतनी अक्ल होगी, हमारे अंदर विवेक होगा और हमारे अंदर आत्मा हमें बताएगी कि ये कहाँ ले जाएगा हमें, इसमें ठीक ठीक कौन सी चीज़ है जो ढूंढना है, अच्छा क्या ढूंढना है उसमें, सही क्या ढूंढना है उसमें। अगर तो सही ढूंढने में सही टाइम कितना लगाना है, कितना टाइम सही है इसको यूज करने के लिए, तो आप सही रास्ते पे चल पाएंगे और उसमें से कुछ ले पाएंगे और उसको कुछ दे भी पाएंगे। अब तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो मोबाइल फोन, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अभी मोबाइल फोन स्मार्ट रह जाएगा, अपन स्टूपिड हो जाएंगे सब, अपना इतना मन लगता है इसमें। तो ये टेक्नोलॉजी की अति, पुराने जमाने में कहते थे अति किसी चीज की भी बुरी होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। स्मार्टफोन हमें अनस्मार्ट बना रहा है। मैं स्मार्टफोन के बारे में, और अनस्मार्ट तो फिर भी ठीक है, स्टूपिड स्टूपिड बना रहा है। तो हम आगे चल के, और कहीं का नहीं छोड़ेगा, बिन पैंदे के लोटे जैसे हो जाएंगे। हो रहे हैं मैम, आज के समय हम ऐसे ही हो रहे हैं। हम एक बार से फिर से मेन आपके कोर्स पे आते हैं, जहाँ पे आपने बोला कि बहाई धर्म आपने चुना और बहाई धर्म में आपने बहाई धर्म को अपनाया, और धीरे धीरे आपके आगे की कहानी सुनेंगे, पर बहाई धर्म के बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, बहाई एक स्वतंत्र धर्म है, ज़्यादातर भारत में लोग उसको, दिल्ली में एक कमल मंदिर है कमल के आकार का, और उसको अंग्रेजी में लोटस टेम्पल कहते हैं। जब आप लोटस टेम्पल में जाते हैं, अगर आप गए हैं, वो एक टूरिज्म प्लेस का भी हिस्सा है, वो केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, क्योंकि उसका नाम है बहाई उपासना घर, प्रार्थना घर। आप जाके अपने किसी भी धर्म की वहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। बहाई धर्म ईरान में बहाउल्ला पैदा किए हुए, ये 174 साल पुराना धर्म है। उन्होंने अपने आप को हर धर्म का चिर प्रशिक्षित अवतार घोषित किया, और उन्होंने ये कहा जो मुझे अपनाएगा
पहले उन सबको अपनाएगा और स्वीकार करेगा, फिर मुझे स्वीकार करेगा। बहाई धर्म में आने का उद्देश्य उनका विश्व को एक, मानव मात्र को एक करना है। इसमें सत्य की स्वतंत्र खोज करने को कहा है। बहाई धर्म ना जन्म से मिलता है ना शादी से, धर्म परिवर्तन नहीं होता। आपका हृदय परिवर्तन है जब आप उसको स्वतंत्र रूप से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। इसमें पुरोहित वर्ग नहीं है, कोई भी प्रीस्ट नहीं है, कोई भी ज़्यादा हर जगह कोई बाहर का कुछ नहीं है। जीवन में, अपने जीवन में आपको प्रार्थना करनी है, आपको उसके मुख्य जो सिद्धांत है, मानवता एक है, सभी धर्मों का स्रोत एक है, धर्म प्रगतिशील है, हर युग में ईश्वर अपने अवतार को हर युग काल के लिए भेजता है और वो सब मानवता को सद्मार्ग पे रखने के लिए आए हैं। हमें सर्वधर्म सम्मान करना चाहिए। स्त्री पुरुष, मानवता एक पक्षी है, स्त्री पुरुष उसके दो पंख हैं। अगर उस पक्षी को ऊंचा उड़ना है तो वो दोनों पंख बराबर होंगे तो पक्षी उड़ान भरेगा, और एक पंख नीचा, एक पंख ऊंचा, एक पंख काट दिया, एक पंख बांध दिया, विकास नहीं हुआ। दुनिया में शांति, विश्व शांति तब स्थापित होगी जब स्त्री पुरुष समान होंगे। समान होंगे पर सेम नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि दोनों नर और मादा हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों उसके अंदर अलाइनमेंट होना है, एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को परस्पर प्रेम करें, परस्पर सम्मान करें, परस्पर क्षमताओं को उसको बढ़ने दें आगे, योग्यता और क्षमता को, और परस्पर मिलकर निर्णय लें। क्योंकि स्त्री पुरुष समान है तो दहेज देना लेना रीति रिवाज कुछ नहीं है। दर्जा दोनों का समान है, लड़की वालों का भी लड़के वालों का भी। तो फिर है विज्ञान और धर्म में समन्वय। अगर वैज्ञानिक आध्यात्मिक होगा तो वो कोई भी विध्वंसकारी खोज नहीं करेगा। वैज्ञानिक आध्यात्मिक होगा, मानव केंद्रित और सृष्टि केंद्रित विकास करेगा। सृष्टि केंद्रित, मानव केंद्रित विनाशकारी खोज नहीं करेगा वो मानव। अगर वैज्ञानिक के अंदर ईश्वर का डर है और मानवता का हित है, और धर्माविलंबी अगर वो ऑर्थोडॉक्स हैं, अगर वो अवैज्ञानिक बिना विवेक के धर्म पे, धर्म का अंधा अनुसरण करते हैं, तो वो भी एक तरह विनाश की तरफ ले जाएंगे। मनी अभी मैं उदाहरण नहीं दूंगी, जो भी लोग मानव के ऊपर या मानव का किसी भी तरह से उसका उस पर हिंसा करते हैं, किसी भी तरह से, मन कर्म वचन से, वो धर्म नहीं है, वो आध्यात्मिकता नहीं है। और सभी धर्मों के आध्यात्मिक नियम सेम है, आध्यात्मिक सच्चाई सब धर्मों की एक है। फिर उन्होंने कहा कि विश्व एक पूरा परिवार है, हम सब एक उसके नागरिक हैं, इसलिए हमें पक्षपात भेदभाव नहीं होना, जाति का, धर्म का, वर्ग का, पैसे का, शहरी का, ग्रामीण का, पक्षपात नहीं होना। और पूरे विश्व में लोग मिलकर कंसल्टेशन से, परामर्श से निर्णय लेने हैं, निर्णय कॉन्फ्लिक्ट से नहीं लेना है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना, बैठो बात करो, समस्या का हल मिलेगा। सुनो अपनी भी कहो, किसी को किसी के ऊपर भावनाओं पर अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। तो परिवार का भी एक, और क्योंकि पुरोहित वर्ग नहीं है तो कोई कोई ना तो कुंवारा रहने की ज़रूरत है,
ना हिमालय पे जाके घर छोड़ने की ज़रूरत है, परिवार पालो, दुनिया में रहो, कमल के फूल की तरह, कीचड़ में भी रहो तो कमल की तरह रहो। बहाई धर्म का सारांश बहाई पूरे विश्व में है, बहाई हर भाषा में बहाई धर्म का अनुवाद है, प्रार्थनाएं हैं। तो बहाई समुदाय में लोग सभी धर्मों से आके स्वतंत्र रूप से जो आ जाते हैं वो बहाई धर्म को मानते हैं। तो इसमें जुड़ने का मतलब कोई अलग सा कोई प्रोसेस होता है कि आप पुस्तक पढ़ सकते हैं, अब तो गूगल बाबा के पास भी बहाई पे ऑर्ग है, उस पे पढ़ सकते हैं। और कोई बहाई को जानते हैं तो वो आपसे पुस्तकें भी, लाइब्रेरी भी रहती है, तो ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं जब आपको समझ आएगा। वैसे तो पहले हमारे ज़माने में एक घोषणा पत्र था जिस पे हम साइन करते थे कि मैंने बहाई धर्म पढ़ लिया है, समझ लिया है, मैं इस पर चलूँगा, इसका अनुयायी बनना चाहता हूँ। उस दिन आप घोषित करते हैं, आपका कोई ये संस्कार नहीं होगा कि ये आप आज बहाई हो गए हैं, आज आपका ये हो गया है। बहाई रीति से शादी भी होती है, बहाई रीति की शादी में एक लाइन है, हम सब ईश्वर के आदेश से प्रतिबंधित हैं, तो उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। वो मेरी शादी का फोटो आपने देखा है। बहाई क्योंकि जाति धर्म से उठ चुके हैं, तो कोई भी जाति कोई भी धर्म सब जगह का, सब जगह सब शादी, जैसे होता सारे रास्ते खुले हैं। एक बहाई की आत्मा जब उसने खोल ली है अपनी, पूरी दुनिया खुली है, आकाश खुला है, देश विदेश नहीं है, देश विदेश नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम है, मैं वसुधैव कुटुंबकम का जीवन जीती हूँ। दीपक मेरे पति जो कि ब्रिटिश थे, दीपक उनको अपना भाई मानता है, मुझे भाभी मानता है, उस एक रिश्ता पूरे विश्व में भाई रिश्ता। यहाँ से बहाई धर्म को साथ जुड़ने के बाद आप जिमी सर से भी इसी समय पे मिले। नहीं, जिमी सर पहले से बहाई थे, अच्छा, मतलब आप मैं अपने आप बहाई थी पहले से, हम दोनों बहाई धर्म के अनुयायी थे इसलिए हमारी फिर मुलाकात हुई। आप मिले और इसके बारे में थोड़ा बताइए और फिर क्या हुआ। हमारा 1985 में मैंने इंदौर आ गई थी सेवा देने के लिए। मैंने बहुत नौकरियां की, गवर्नमेंट जॉब की एज प्रोविडेंट फंड ऑफिस में 4 साल, फिर मैं हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर थी चंडीगढ़ में, पंजाब हरियाणा में, उसके बाद जगराओं में एक कॉलेज में लेक्चरर थी, उसके बाद मैं यूजीसी रिसर्च फेलो थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, उसके बाद मैं सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चंडीगढ़ में रिसर्च फेलो थी। पीएन हक्सर साहब हमारे चेयरमैन थे, जो कि इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री के उस टाइम पर प्रमुख सचिव थे, और वहाँ से मैं रिज़ाइन करके इंदौर सेवा देने आई थी। जिमी बहाई थे उत्तरी आयरलैंड से, वो ज़मीन, लैंड रिक्लेमेशन और ड्रेनेज के कॉन्ट्रैक्टर थे, वो एक पर्वतारोही थे, वो एक रेडियो हैम, एक रेडियो ऐसा जो सेवा के लिए जैसे रेड क्रॉस का होता है, वो रेडियो हैम के खुद बनाया भी था, उसके सदस्य भी थे, क्योंकि वो पर्वतारोही थे तो उनको प्रकृति से बहुत प्रेम था। लेकिन उनका जो प्रोफेशन था, उस प्रोफेशन के कारण वो इतना खराब ज़मीन जो दलदल थी, इतनी ज़मीन को उपजाऊ बनाया उन्होंने, जब उनके पास ये सारे थे JCB ये वो जो भी होते थे, उनको एक समय पे आके ये विराग हुआ, मैंने ज़मीन उपजाऊ बनाई, यहाँ गाय, वो जो उनकी बीफ वाली गाय, गाय इतना चारा हुआ, गाय पली, गाय कटी, गाय के मांस के पर्वत बने, पहाड़ बने, क्योंकि इतने खाने वाले नहीं है जितना उपज रहा है, लोग कम है उपज ज्यादा है, और इतना दूध की समुद्र में फेंक रहे हैं। उनके मन में एक दिन विराग आया, बहाई हो गए थे, उन्होंने कहा कि
मैं अपना जीवन क्यों खराब कर रहा हूँ, इसमें से अंत क्या निकलेगा, मुझे नहीं यह सब करना। ये बात किसी बहाई को पता चल गई, वो बहाई विश्व केंद्र पे उन इस बहाई के साथ गए थे, वो भी बहाई थे, उन्होंने जाके बता दिया ये ऐसा बंदा है ऐसा है। तो उन्होंने कहा ग्वालियर के पास हमारा एक 76 एकड़ की ज़मीन है जो दलदल है, बच्चों का रब्बानी विद्यालय है, उसको हमें रिक्लेम करना है। तो स्कूल अगर रिक्लेम हो जाएगा तो बच्चों का सारा खर्चा उस ज़मीन से निकल आएगा। वो अपना सब कुछ बेच बाच के सब छोड़ छाड़ के भारत आ गए। दिल्ली जो मंदिर बना उसमें पहले आके सेवा दी उन्होंने कुछ महीना, जब ओपनिंग थी मैं भी उस मंदिर की ओपनिंग में जो प्रार्थना हुई उसके शुभ आरंभ की उसमें थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने, हम प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्होंने हमें चाय पिलाई, लेकिन हम लोग क्योंकि वो वॉलंटियर थे लेकिन हम लोग मिले नहीं थे। 85 में 86 में वो मंदिर का उद्घाटन हुआ, वो आ गए थे लेकिन हम नहीं मिले थे। 88 में 16 अक्टूबर को मैं ग्वालियर के पास से, मेरे को किसी ने एक जिप्सी गाड़ी ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने डोनेट की थी मेरी संस्था के लिए, मैं इंदौर के एक लड़के के साथ ला रही थी, तो रास्ते में उसने कहा ये रब्बानी विद्यालय है जिसको इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला, मालूम आपको? मैंने कहा हाँ मालूम है, ये तो हमारा बहाई लोगों का है। तो उसने बोला ये बोला उसने कि मुझे 15 मिनट 20-15 मिनट। मैंने कहा देखो टाइम नहीं है, तुम देखने लग जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं मैं बस एक बार दिखा दो। वो गाड़ी वो चला रहा था, इंजीनियर था, ग्राउंड वाटर इंजीनियर लड़का था छोटा। गए वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला वाह आप, मैं आपको आज सुबह से ट्रंक कॉल कर रहा था, ट्रंक कॉल होती थी तब, आपका कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। फ़ोन कौन उठाता, मैं 1 पर्सन आर्मी थी, लॉक करके आई हुई थी। ये मेरा एक वॉलंटियर आया है, वो सामने नहीं थे, वो आपका सेंटर देखना चाहता है। मैंने बोला आपका वॉलंटियर, मेरे पास 25 मिनट हैं अभी, ये लड़के को भेज दो कोई दिखा दे, आपका वॉलंटियर अगर 25 मिनट में आएगा तो मैं साथ में उसको ले जाऊंगी, मेरी गाड़ी में चला जाए। तो इतने में वो देख आया और ठीक 25 मिनट के अंदर जिमी वहाँ से अपना टूटे फूटे कपड़ों में ज़मीन पे काम कर रहे, हाथ में मिट्टी लगी हुई, और वो अपना रक्षक उनका जो पर्वतारोही वाला था वो लेके, और उनको परिचय कराया कि ये जनक है। वो गाड़ी में चलाने वाले लड़के के साथ आगे बैठ गए, मैं पुरानी उसमें बैठ गई, मैं बहुत थकी हुई थी तो मैंने तो कोई ध्यान नहीं दिया, पर वो दोनों क्या बात करते रहे। हम लोग आ गए 16 अक्टूबर रात को। वो लड़का क्योंकि ग्राउंड वाटर इंजीनियर था, उसको हम झाबुआ में आदिवासी एरिया में नारू उन्मूलन में काम कर रहे थे, नारू की बीमारी को पानी वाले एरिया में, तो सैम पित्रोदा के साथ तब काम किया मैंने और नारू का उन्मूलन किया गांव गांव में जाके लोगों के साथ काम करके लोगों ने किया। ये लड़के ने मुझे कहा रात को गाड़ी जब उसने छोड़ी, मेरे पास तो ड्राइवर नहीं था, उसने बोला ये बंदा बहुत काम का, दे दे इसको तो आप यहीं रख लेना, ऐसे ही वो चला गया। वो 16 अक्टूबर को मेरे कार्यक्रम थे, वो अगले दिन से गेती फावड़ा लिया, खेत के बबूल निकाले, सब बंजर जमीन थी उसको ठीक करने लग गए। ये 16 अक्टूबर की बात 1988 की। 9 नवंबर को मेरे प्रोग्राम ख़त्म हुए जिसमें मुझे ये कभी टाइम नहीं था कि हम बात करते। वो गाड़ी चलाते थे, लेफ्ट राइट ये करना है वो करना है, और पर्सनल कोई बात कभी नहीं हुई। उस दिन उन्होंने बोला 8 नवंबर को, ये काम जो तुम कर रही हो ना, मैं अपना प्रोजेक्ट मेरा ख़त्म हो गया है, वहाँ मैं यूके वापस जाके अपना ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आई कुड हैव स्पेंट ऑल माई लाइफ हेयर, बहुत मेरा मेरे पास, मैं बहुत ये काम कर सकता हूँ। मैंने उनके बोला ओके यू आर वेलकम, ये
8 नवंबर की बाद 9 नवंबर को हमारे माँ बाप के पास जाते हैं, 10 नवंबर को हमारी सगाई होती है, 27 नवंबर को शादी होती है, और जस्ट लाइक दैट वो आ गए और वो 25 मिनट जीवन के 25 साल सेवा दे के गए और 25 साल के बाद वहीं से विदा होके वहीं की मिट्टी में है, इंदौर की। और उनको क्वीन एलिजबेथ ने 2008 में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया, भारत के ग्रामीण समुदायों में अल्टरनेटिव एनर्जी, ये जो क्या अपारंपरिक ऊर्जा और समाज सेवा के लिए भारत में उनकी क्वीन ने वहाँ बुला के ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया। और मैं उनके साथ जाकर विंसर कासल में वो सम्मान लेने गई, तो मैं बहुत ईश्वर का ये मैं आपको चमत्कार बताती हूँ कि मैं 39 एज में मैंने शादी किया, मेरे 4 बहन भाई के 8 बच्चों ने मेरी शादी अटेंड की। मैं शादी नहीं करती थी, करने वाली नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर पागलपन था, मुझे मेरे काम करने थे, मुझे तो ईश्वर को धन्यवाद देना था, मैं तो उसकी दीवानी थी, मुझे दुनिया से कुछ लेना नहीं था, मुझे उसने केवल इस पर्पज से दिया। फिर ये सारा जो मेरे जीवन में ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति भेजा जब मुझे चाहिए था, मुझे ऐसी जगह भेजा, मुझे ऐसे लोग मिलाए, मुझे फिर 2007 में कैंसर हुआ, फिर कैंसर के 4 सर्जरीज हुए, उसमें से भी मैं निकली, फिर उसके बाद कोमा में चली गई थी, मैं ठीक हो गई, फिर मैं अभी कैंसर के मरीजों के साथ भी काम करती हूँ, फिर 2011 में रिटायरमेंट प्लान कर ली और गांव में घर बना लिया, उन्होंने घर बनाया बहुत सुंदर, उन्होंने गांव के लोगों के लिए एक सोलर और विंड पावर स्टेशन बनाया, वहाँ इतना सुंदर घर बनाया अपने हाथ से जुड़ाई करके। और वो दीपक गढ़िया की पत्नी को कैंसर था, रात को उसका फोन आता है, जनक भाभी आप और जिमी शरीन को मिलने आना चाहते हैं तो आ जाइए, मुझे नहीं लगता अब वो ज़्यादा टाइम, शायद आपका इंतज़ार कर रही है। हम लोग अगली सुबह निकले, गाड़ी से चले, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, शरीन अगले दिन चली गई, दीपक गढ़िया की पत्नी, और 17 दिन के बाद जिमी भी चले गए, मैं बची उस एक्सीडेंट के बाद। और ये सारे जीवन के जो बचने के बाद उस घर को कंप्लीट किया और जाके वहाँ काम किया, जिसका नाम मैंने दिया जिमी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फंडेड एनजीओ नहीं है, किसी से कुछ नहीं लेती हूँ, निःशुल्क सेवा देती हूँ। और वहाँ पर अभी ये अनुभव क्या है जीवन का कि हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम मरेंगे कैसे, लेकिन ये चॉइस है कि जीना कैसे है। जनक पल्टा मैगलिगन मैम के काम के बारे में विस्तृत जानकारी आपको इंस्पायर 2017 के वीडियो से आपको मिल जाएगा, पर कल हमने ये वीडियो बनाया और उसी टाइम पे हम मैम ने बताया कि स्मार्ट सिटी के क्या गुण होने चाहिए और स्मार्ट सिटी के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना है, और उस बारे में मुझे लगता है आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि स्मार्ट चॉइस क्या होता है, स्मार्ट लाइफ क्या होता है, कैसे हम ऐसे जिए कि हम मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट छोड़े अपने पीछे। और इसके बारे में मैम के एक कल भी मैं देख रहा था कि मैम जब चाय पी रहे थे तो अलग से अपने खुद के एक गिलास से पीते हैं, अपने जीवन के छोटे छोटे चीज़ें वो मैं मान के चलते हैं, जैसे उन्होंने कुछ देर पहले खाने के बारे में बोला कि लोग खाना बहुत सारा ले लेते हैं और फिर खाने को फेंक देते हैं, ये सारी चीज़ें मैम कैसे देखते हैं, और आपका थोड़ा सा और एडिशन। मुझे मेरी जब रिटायरमेंट ली मैंने, तो गांव में रहने के बाद मैंने जो सीखा पूरे जीवन से, तो ये समझ में आया कि एक तो मैं 1992 में मुझे ये मौका मिला कि UNEP ने ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर मेरे इंस्टीट्यूट को देने के लिए मुझे वहाँ बुलाया। अभी लोग रियो डी जेनेरो की बात ओलंपिक से उनको याद है,
पर मैं 1992 में भू सम्मेलन में जब गई थी, पर्यावरण की सबसे बड़ी दुनिया भर की चर्चा उस टाइम सुनकर मेरी पर्यावरण की आंख खुली कि पर्यावरण के ऊपर डायरेक्ट, और हमारा एक बहाई स्टेटमेंट, एक पुस्तक निकली कि कंजर्वेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेस, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संपदा है, साधन है, उनका संरक्षण कैसे करना, ये हमारा एक आध्यात्मिक कर्तव्य है। तो मुझे लगा कि अब ठीक है, अब सेवा काल मुक्त हो गए हम, अब हमें यही करना है। तो मैंने जो घर बनाया उसको, उस घर में तीन चीज़ें मुख्य हैं। एक तो ये है कि मेरे पास एक छोटी गाय मैंने पाली है, वो कुछ दिनों की थी जिसको मैंने पाला, पाल के उसके दो बछड़े हुए। मेरी गाय का नाम गौरी रखा मैंने, माखन और फागुन लड़कों का नाम रखा, बैल बने, अभी वो बैल बन के गाँव में चल रहे हैं। अभी फिर एक बछड़ी हुई, उसका नाम मैंने ऊर्जा रखा। तो गाय दूध देती है, गाय मक्खन देती है, घी देती है, इसकी बहुत चर्चा करते हैं लोग, लेकिन गोमूत्र और गोबर ही सबसे बड़ी संपदा है इस देश के लिए। भगवान कृष्ण को नाम लाखों हैं, लेकिन उनकी उपाधि गोपाल है। हम गोविंद गोविंद करते हैं पर गो को भूल गए। राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोपाला गोपाला, सारी सारी रात गोपाला करते हैं पर गाय के पास गाय रखने के लिए जगह नहीं है, गाय को देने के लिए रोटी नहीं है, गाय को देने के लिए चारा नहीं है, गाय का गोबर तो कोई उठाएगा नहीं। गाय का गोबर उठाना हमारा धर्म नहीं है, क्योंकि वो केवल हरिजन उठाएगा, है ना। गाय का गोबर उठाने वाला कोई और है, हम ठाकुर नहीं उठाएंगे, हम ब्राह्मण नहीं उठाएंगे, हमारा काम नहीं है। जब भगवान कृष्ण को मानते हैं, जब तक उनके दिए हुए सारे जो गो माता का वरदान है वो उसको नहीं संभालेंगे, उसका आधारित, आधा एकड़ जमीन के ऊपर घर है लेकिन आधा एकड़ किसी मित्र की है, उन्होंने कहा आपको जो करना होगा, तो एक जैविक खेती करते हैं। पत्थर की चट्टान के ऊपर घर है मेरा, उस पर पेड़ लगाए हैं, और वो पत्थर की चट्टान के ऊपर थोड़ा सा जमीन नीचे है, सारा खाने पीने को उग जाता है। नमक तेल शक्कर चाय पत्ती के अलावा बाजार से खरीद के नहीं खाती हूँ, बाजार नहीं जाती हूँ तो कचरा भी नहीं लाती हूँ, प्लास्टिक नहीं लाती हूँ, फिर पैकिंग में कुछ लाना ही नहीं है, और सब कुछ सोलर पे बनाना है, सोलर कुकर पे, 13 प्रकार के सोलर कुकर हैं मेरे पास। तो सौर ऊर्जा है, सूर्य भगवान ने दिया है, एक पवन चक्की है, विंडमिल छोटा सा, पवन पुत्र ने दे दिया, हवा भी दे दिया, पवन ईश्वर ने दी है, धरती माँ है। तो ये सब का कैसे, सब इनका दोहन नहीं करना, उनका संरक्षण करते हुए उनका उपयोग तो करना है पर उपभोग नहीं करना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और हमारी चॉइसेस सस्टेनेबल होंगी, जो कुछ असली है जीवन में सस्टेनेबल है, जो नकली है वो सस्टेनेबल नहीं है, कुछ भी है वो, चाहे हमारी बोली है, चाहे हमारी भाव है, हमारा प्रेम है, हमारा दिखावा है, हमारा जो कुछ नकली है, वो नकली नोट, असली नोट वाला नकली जीवन अनसस्टेनेबल है। असली जीवन वो है जो भारत, जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसके आधारित जीवन जो है वो सस्टेनेबल है। तो मैं सब जैविक खाती हूँ, सबको जैविक खिलाती हूँ, मेरे घर में साल भर में 64 चीज़ें हो जाती हैं, 64 प्रकार के पदार्थ मुझे मिलते हैं,
सब चीज़ उगा के दालें, और जैसे चना दाल लगाई, चना लगाया, चने की दाल बने, दाल का बेसन बनाया, बेसन का नमकीन बनाया, और वो 100 रुपये बनाया, ठीक है, चार पदार्थ हो गए वो, मैंने तो चने लगाए थे। लेकिन विज्ञान का उपयोग जब प्रकृति के प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक संसाधनों से, वैज्ञानिक दिमाग और आध्यात्मिक आत्मा, और ये हमारा जो शरीर है, ये जब स्वस्थ शरीर होगा तो हम इनका सबका उपयोग करेंगे, जब इस जीवन शैली को अपनाएंगे, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, सस्टेनेबल लैंड, 5 एलिमेंट सारे सस्टेनेबल, और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ये इसी की बात कर रहे थे आप। ये ग्लास थैले, ये थैला बचे हुए कपड़ों का है, पर्दे के कपड़े हैं, किसी चीज़ के कपड़े हैं, तो जोड़ जाड़ के ये कोई खाट में वो लगाते हैं, कुछ भी उसका, ये चिंदियों का बैग बन गया है, आसान उठाना भी आसान है, धो लो और फिर ले लो इसको काम में, तो और ज़्यादा इसमें सामान बहुत आ जाता है सारा मेरा। ये ग्लास है, मैं प्लास्टिक मैंने अपनाया नहीं है, मैं फ्लाइट में भी बैठती हूँ तो इससे पानी मांगती हूँ, सारे अभी तो इंदौर से चलने वाली हर फ्लाइट वाले को पता है, वो पहले हाथ जोड़ते हैं मेरे को, मेरे पास मिलने से पहले लड़कियाँ, क्योंकि बहुत खुश होते हैं मुझे देख के। अब मुझे ठंडा चाय, अरे पेपर के ग्लास में इतनी सी चाय देते हैं, मैं भर के पीती हूँ, ठंडा है सब कुछ, नाप तोल का भी कोई चक्कर नहीं, इसमें तृप्ति हो जाती है। जी 10 बार ये ग्लास मेरा किसी को धोना नहीं पड़ता, और 10 बार पानी नहीं लगता, 10 बार मांजने धोने का टाइम नहीं लगता। कंजर्वेशन नॉट ओनली ऑफ सामान, कंजर्वेशन ऑफ टाइम ऑल्सो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो, कोई तो धोता है ना। फिर जूठा सच्चा इन्फेक्शन का भी कोई लफड़ा नहीं, मेरा ग्लास है मेरे को पीना, बात खत्म, ठीक है। पेपर नैपकिन यूज नहीं करती हूँ, मेरे थैले में मेरा रुमाल रहता है, बस ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। डिस्पोजेबल में नहीं खाती हूँ, शाम को कहीं जाती हूँ शाम को भोजन नहीं करती हूँ, दिन में एक टाइम भोजन खाती हूँ, दिन में सुबह कहीं गए किसी ने डिस्पोजेबल प्लेटों में समोसे ये वो रखते हैं, तो मैं उनका जहाँ सर्व कर रहे हैं वहाँ से समोसा उठा लेती हूँ, उठा के खा लेती हूँ। जब पहले ऐसे पानी पीते थे, ऐसे पानी पीते थे, क्यों भूल गए हम? मटके में पीते थे, लोटे से पी लेते थे, एक लोटा होता था जो सारी चीज काम आ जाते थे। हम जब जाते थे, पानी पी सब लिया, नहा लिया, सब सब कुछ उसी में हो जाता था। बिन पैंदे के लोटे हो गए हैं हम, हमारा पैंदा सरक गया है, जो भारतीय हमारी परंपरा और भारत की जीवन शैली थी, हम पूरा सब पूरा अमेरिकन बनना चाहते हैं, ब्रिटिश बनना चाहते हैं, जर्मन बनना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलियन बनना चाहते हैं, बम्बई का बनना चाहते हैं, बॉलीवुड बनना चाहते हैं, बेंगलोर वाला बनना चाहते हैं, पूना वाला बनना चाहते हैं, भारतीय नहीं बनना चाहते, गांव वाले नहीं बनना चाहते। अच्छा मैम, हम धीरे धीरे कंक्लूशन की ओर बढ़ते हैं। हमने 80 के दशक से आप सस्टेनेबल लाइफ के बारे में काम कर रहे हैं, और जब के उस टाइम पे शायद इतना ज़्यादा समस्या नहीं था जो के हम अभी फेस कर रहे हैं। 30 साल में मैंने खुद रियलाइज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे 90s के दशक याद है प्रॉपर सा, और मैं अब देखता हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, टेम्परेचर बदल रहा है और वो बढ़ता जा रहा है। इस साल माना जा रहा है कि बनारस जैसे एरिया में 48 डिग्रीज तक जाएगा, और भारत का सबसे भयानक गर्मी इस साल आने वाला है। और हर बार ये बोलेंगे, और इसका मतलब है हर बार धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और मैं सोचता हूँ कि आज से 30 साल बाद क्या होगा। आप कैसे देखते हैं आज से 30 साल बाद के भारत और दुनिया को? आज हम क्या करेंगे उस पे निर्भर करेगा। अभी इस पल पूरा भारत क्या कर रहा है,
और इससे अगले पल पूरा भारत क्या कर रहा होगा उस पर निर्भर करेगा। अगर भारत संभल जाएगा तो 30 साल देखने को अपने को मिल जाएंगे आप लोगों को। हमें तो कोई चिंता नहीं, हम तो तैयार हैं, पके हुए आम हैं, गिरने वाले हैं, कभी भी गिरेंगे, लेकिन आपके बच्चों को क्या मिलेगा ये चिंता है। 30 साल आप लोगों के जो जवान बच्चे IIT में पढ़ रहे हैं, दो दो तीन तीन चार साल में तो आपके बच्चे ही हो जाएंगे, उनका क्या होगा, उनको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन खरीदने पे भी नहीं मिलेगी, पानी बिसलरी की, आज मैंने देखा ये मेरे कमरे में बिसलरी की बोतल, कल शाम को बहुत लोग आए तो मैं तो चाय वाय उनको बना के पिलाई, बहुत लोग आए थे मेरे यहाँ बच्चे रात को हॉस्टल्स के और सब, तो ये बिसलरी की बोतल पे 20 रुपए पानी का रेट लिखा है, 20 रुपए का पानी। तो दूध क्या भाव है, 40 रुपए लीटर, तो आधा लीटर दूध ही पी ले ना, ऐसा पानी पीने की बजाय बेहतर है, अच्छा हिसाब है, छाछ पी ले, छाछ तो और सस्ता पड़ेगा पानी। अगर गंगा आपने गंगा यमुना सरस्वती तापी नर्मदा जितनी हमारी नदियां हैं, अगर लोगों ने ये नदियां बचा ली, अगर आपके आप जो बनारस के रहने वाले लोग हैं, अगर आपने गंगा का पानी पीने लायक बना दिया और बिस्लरी निकाल दी यहाँ से, तो आप 30 साल में धरती पे स्वर्ग बना लोगे। और अगर आपकी बिस्लरी की रफ्तार टेम्परेचर के रफ्तार की तरह बढ़ती चली गई तो अल्लाह जाने क्या होगा। सो मैम, अगर कोर्स ऑफ एक्शन एकदम स्ट्रीमलाइन बोलें कि लोगों को क्या करना चाहिए, आज के बच्चों को स्पेशली जो अब छोटे हैं स्कूल में हैं, उनको एग्जैक्टली अगर बोले कि ये 2-4 पॉइंट आप देखो और हमें एज ए गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाते हैं उनको अगर कुछ मैसेज भेजना है कि 3-4 पॉइंट वो देखें, तो क्या क्या होगा। नंबर वन, ये मोबाइल साहब से, मोबाइल भगवान से बाहर निकल के थोड़ा कुछ समय मौन, मोबाइल मौन रखा जाए। मोबाइल से मौन कैसे लेना है, फिर सोचें, बैठ के बात करें, सब एक्शन प्लान बनाएं। हम IIT को बिस्लरी मुक्त कर देंगे, मेरे स्कूल को बिस्लरी मुक्त कर देंगे, मेरे घर ये जो फंक्शन होगा, फंक्शन में कोई चीज़ पेपर में रैप करके नहीं देंगे, प्लास्टिक का वो चमकीला जो पेपर आता है, तो पैकेजिंग थैला लेके जाएंगे बाजार कपड़े, अरे प्लास्टिक बंद हो के नहीं, अपने कपड़े का थैला बनाना शुरू कर दो, पुराने कपड़े का थैला लेके चलो, प्लास्टिक अपने आप बंद हो जाएगा। अंधेरा नहीं हम खत्म कर सकते, एक दिया जलाना है, रोशनी बढ़ाना है। और सरकार के लिए अगर बड़े पॉलिसी जो हम बनाते हैं उनके लिए क्या, सरकार की पॉलिसी मैं ये कहती हूँ कि जो सरकार पॉलिसी बनाती है, हमने अभी तक जीवन में पॉलिसी बनती देखी है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं पड़ी है। अगर जो भी पॉलिसी बनी है अगर वो 100% शुद्धता से, शुद्ध 24 कैरेट सोने की तरह शुद्धता से इम्प्लीमेंट हो जाए तो सरकार की विजय हो जाएगी। जो पॉलिसी वो बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, जो कह रहे हैं अगर उनकी कथनी और उनकी करनी एक हो जाए तो भारत फिर स्वर्ग बन जाएगा। बिल्कुल, और सुनहरे भारत के नाम से आपको धन्यवाद, और सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं।